गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका इस सीरीज में। एज पर यू नो कि ये हमारा 9th सेशन है, तो जल्द से जल्द हम इन सेशंस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशंस फ्रूटफुल लगें। जितने भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर कोई रिकमेंडेशन चाहता है तो वो प्लीज़ जरूर शेयर करें कि इसमें क्या चीज़ें चाहिए। और आने वाले टाइम पे हम एक नए अपडेट्स के साथ आपके साथ मिलेंगे, और जितना भी हो सकता है, मैंने आपसे कहा है कि मैंने इंग्लिश की क्लास, आज 5 बजे का सेशन आपका नहीं लगेगा, मैंने इंग्लिश की क्लासेस को थोड़े दिनों के लिए होल्ड पे यानी बंद कर दिया है, क्योंकि फॉर अ टाइमिंग जो है अभी आपको जैसे क्लासेस मिल रही हैं कि जैसे हिस्ट्री भी चल रहा है, पॉलिटी भी चल रहा है, और ये सीरीज़ भी चल रही है, इस सीरीज़ में हम इंग्लिश के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने इंग्लिश की क्लासेस को थोड़े टाइम तक ऑफ कर दिया है। तो आज आपका 5 बजे का सेशन नहीं होगा, 8 बजे का सेशन जो है हमीरपुर वो भी देखिए, और संडे को स्ट्रैटेजी जीके का पार्ट भी देखना, जिसमें हम आपके साथ एक नए अपडेट्स को शेयर करने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशंस पसंद आए, और जितना भी हो सकता है, क्योंकि संडे को आपकी लास्ट क्लास होगी और संडे की क्लास में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं, तो वो भी क्लास आप जरूर देखना। तो उम्मीद करती हूँ सेशंस को आपको अच्छे लगे और सेशंस को लाइक जरूर कीजिए। कोई भी नई रिकमेंडेशन होगी आप जरूर बताना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके आगे, स्लोगन डेली चलो वॉज गिवन बाय, दिल्ली चलो स्लोगन किसने दिया था? भाई दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो का स्लोगन किसने दिया था? एक मिनट मुझे पेन, चलिए आप इसका आंसर लिखिए और सभी अपना पेन पेपर साथ में रखिए क्योंकि मैथ्स भी है। तो दिल्ली चलो का स्लोगन जो है आपका किसने दिया था? दिल्ली चलो का स्लोगन हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। इन्होंने एक और स्लोगन दिया, ये ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा। इन्होंने आपका कौन सा स्लोगन दिया था? इन्होंने आपका दिया था दिल्ली चलो, देन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इंडियन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने की थी। और अगर हम दिल्ली, इन्होंने जो है दो सेशंस, हरिपुर और त्रिपुरी सेशंस, ये दोनों सेशंस इन्होंने अटेंड किए हैं। एक किया है 1939 में और एक किया है 1938 में, कांग्रेस सेशंस, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र क्यों दिया था? 1944 में जब बर्मा, आपको पता है बर्मा जो था जब अलग हुआ था, देन कब हुआ था, 1942 से 1945 तक का जो एग्रीमेंट था वो कहाँ पे साइन हुआ था? शिमला में साइन हुआ था, ठीक है। तो 1944 में जो है आपका बर्मा के टाइम पे जो है ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का दिया था। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्मड इन, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये कब बनी थी? ये बनी थी 24 अक्टूबर 1945, जिससे आज हमने करंट अफेयर किया कि इस वीक को हम डिसआर्मामेंट वीक भी मनाते हैं, ठीक है। और ये 24 अक्टूबर को हुआ और 24 अक्टूबर को जो है जब साइन किया था तो 50 कंट्रीज थी, लास्ट साइन बाय पोलैंड, तो ये किया था। आज इसका सेंटर कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसके अभी पंचायत सेक्रेटरी में ये क्वेश्चन आया था, तो एंटनी ग्वेटर्स जो है, एंटिनो ग्वेटर्स जो है ये आपके जनरल सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले कौन से थे? आपके ट्रिग्वे लाए। 5 कंट्रीज हैं, 6 पार्ट्स हैं, तो ये याद रखना। द फर्स्ट परमवीर चक्र विनर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का पहला परमवीर चक्र कौन सा है? देखिए विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड सबसे बड़ा था, जो कि आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए दिया गया है, तो वो किसको दिया गया है? लाला जमादार को, फिर कर्नल भंडारी साहब को, तो ये दिए थे। उसके बाद परमवीर चक्र, तो सबसे पहला परमवीर चक्र मिला सोमनाथ शर्मा को, जो कि कांगड़ा से थे। फिर मिला आपके मिस्टर विक्रम बत्रा मरणोपरांत कारगिल युद्ध में, संजय कुमार जो कि बिलासपुर के थे, इनको भी जो है परमवीर चक्र मिला है, तो ये याद रखना। आपको शौर्य अवार्ड से आपको सारे जो हैं इनसे आ सकते हैं, महावीर चक्र, वीर चक्र। महावीर चक्र किसको मिला था? वीर चक्र, महावीर चक्र तोपके को मिला था। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको पता होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश इमर्ज्ड एज अ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 25, देखिए स्टेटहुड डे, राज्य दिवस डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी 1971, और एग्जिस्टेंस डे मनाया जाता है 15 अप्रैल 1948 को। तो इमर्ज एज ए 18th स्टेट,
किसने मर्ज किया था इसको, गिरजा मैदान में किसने बोला था? इंदिरा गांधी ने। अंद्रेटा इज़ फेमस फॉर, अंद्रेटा जो है यहाँ पे शोभा सिंह आर्ट गैलरी है, आर्ट गैलरी है ठीक है। ये जो है आर्ट गैलरी, इसमें सो इनकी जो पेंटिंग्स थी दैट इज़ ओनली ऑन सोनी एंड महिवाल, लव पेंटिंग्स, जिस इनको गुरु नानक भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने गुरु नानक का पोर्ट्रेट बनाया था। तो ये कहाँ से रिलेटेड है? ये इनकी जो है ये कांगड़ा में है, तो सोधा बेसिकली पालमपुर के पास है, तो कांगड़ा। एक और याद कर लीजिए, नगर रोरिक आर्ट गैलरी, नगर रोरिक आर्ट गैलरी कुल्लू में है, रोरिक से रिलेटेड है। इनकी जो वाइफ थी वो एक एक्ट्रेस थी, और यहाँ पे सरोजनी नायडू और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए हैं। लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश इज गोविंद सागर, कौन सी है? गोविंद सागर, जो कि बिलासपुर में है, और किस पे बनी है? सतलुज पे बनी है। और सबसे छोटी कौन सी है? पंडो, सबसे छोटी कौन सी है? पंडो, जो कि ब्यास पे बनी है, कहाँ पे है? मंडी में है। विच लेक इज सिचुएटेड है, देखिए कौन सी लेक है? तो सबसे पहली लेक तो आपको नाको लेक, ये क्वेश्चन आता है, प्ले ग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग, प्ले ग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग। हमने पूरा किन्नौर जो है किया है, जिनको किन्नौर से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए वो किन्नौर की प्लेलिस्ट दे सकते हैं, यानी डिटेल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, नाको। और इसको जो है हैंगरेंग, ये कहाँ पे है? हैंगरेंग वैली में। हैंगरेंग वैली का हेडक्वार्टर क्या है? लियो, एंड क्या है आपका? लियो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, विच वन इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिला। कहाँ पे है? झांसकर रेंज पे है, और झांसकर रेंज के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? किन्नौर में पड़ती है। 7026 इसकी हाइट है, सबसे छोटी है चोलांग, जो कि कहाँ पे है? आपके कांगड़ा में, ठीक है। When did गांधी जी विजिट शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली चीज़ शिमला कितने टाइम विजिट किया है उन्होंने? 10 times। पहली बार उन्होंने 1921 में किया था, जिसके साथ मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय भी थे, और उनकी वाइफ भी थी। कहाँ पे रुके थे ये भी क्वेश्चन आता है, शांति कुटीर में। इन्होंने किसको संबोधित किया था, कहाँ पे संबोधित किया था? ईदगाह मैदान में। कहाँ पे किया था? ईदगाह मैदान में, ठीक है। वट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट, रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट कितनी होती है? 62 years, कितनी होती है आपकी? 62 years। वेन द डिलीशन ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स डन, जो आपका राइट टू डिलीशन है ये कब हुआ था? देखिए ये कब हुआ था आपका? 44 amendment में। कब हुआ था? 44 amendment act के दौरान जो है राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया था। अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है हमारा, ठीक है। आर्टिकल 300A के हिसाब से कोई भी पर्सन जो है विदाउट प्रॉपर्टी नहीं रह सकता। व्हेन वाज नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, नेशनल फ्लैग जो है ये कब अडॉप्ट किया गया? देखिए सबसे पहली चीज़, नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किसने करवाया? पिंगली वेंकैया, ठीक है। इससे पहले जो डिज़ाइन था वो वंदे मातरम का था, तो उस टाइम पे सिस्टर निवेदिता भी इससे रिलेटेड थी सबसे पहले, ठीक है। फिर पिंगलिया वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया, और ये सबसे पहले कब कहते हैं फ्लैग हुआ था? वो हुआ था 22 जुलाई 1947 को इसको जो है फहराया गया था, ठीक है। मैकमोहन लाइन 1914 में बनी, ठीक है, और ये किसके बीच में है? इंडिया एंड चाइना के बीच में, इंडिया एंड चाइना। बॉर्डर लाइंस याद कर लीजिए, ठीक है, बॉर्डर लाइंस याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट सेंटर जॉइंट सेक्टर 750 megawatt लोहड़ी हाइडल प्रोजेक्ट इन डिस्ट्रिक्ट शिमला इज बिल्ट ऑन, देखिए लोहड़ी प्रोजेक्ट कितने मेगावाट है आपका? 750, ठीक है। कहाँ पे है, किस नदी पे है? ऑब्वियसली सतलुज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलुज। सतलुज कहाँ से निकलती है आपकी? तिब्बत के मानसरोवर झील के राक्कस ताल से निकलती है। एंटर कहाँ करती है आपकी? किन्नौर में एंटर करती है शिपकिला से, शिमला में एंटर करती है चौड़ा से, और मंडी में एंटर करती है आपकी फिरनो से। तो ये भी याद रखना, मंडी में फिरनो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 March,
8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय वुमेन दिवस मनाया जाता है। इसका जो था दैट इज़ चूज़ टू चैलेंज, इसका जो थीम था दैट इज़ चूज़ टू चैलेंज। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से? तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट एरिया के हिसाब से है लाहौल स्पीति, सबसे छोटी है हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर जो है आपका 1115, ये है इसका एरिया। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज, सेक्स रेशो वाइज और लिटरेसी वाइज जो है ये हमीरपुर है। लाहौल स्पीति आपका एरिया वाइज सबसे बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज सबसे कम है। विच इज़ द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ राज्यसभा? आर्टिकल 80 में आता है कितनी साल की उम्र चाहिए, 30 ईयर्स की। ड्यूरेशन क्या होती है, 6 ईयर्स। और अगर देखा जाए सेकेंड 2 ईयर्स बाद इनके मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। HP रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जोगिंदर नगर में, ठीक है, जहाँ से पटवारी के पेपर्स होते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद, ऋग्वेद। कितने मंडल्स हैं, 10 मंडल्स हैं। गायत्री मंत्र भी इनों में आता है। हु वॉज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र? कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त। जिसने इकोनॉमिक पॉलिसी दी थी किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हु इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ स्लेव? आपको इस लेवल के पेपर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, हु इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, जिसको मोहम्मद गौरी छोड़ के गए थे? इन्होंने 1206 में एक डायनेस्टी बनाई, दैट इज़ कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी, इसको ममलक डायनेस्टी भी बोलते हैं। इन्होंने कुतुब मीनार बनाया, इनको लखबख्श भी बोलते हैं। और याद रखना कि इसके बाद इल्तुतमिश ने जो है कंप्लीट करवाया था आपका कुतुब मीनार। विच सुल्तान स्टार्टेड राशन कार्ड सिस्टम? तो वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे आपके, अलाउद्दीन खिलजी। अगर आप और याद करना चाहते हो तो मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम इन्होंने चलाए, कैश देना इन्होंने शुरू किया, इकताज इन्होंने ख़त्म किए, सीरी को अपना गांव मतलब एक नई कैपिटल बनाई सीरी जब इन्होंने मंगोल्स को हराया था। नेपोलियन वॉज एसोसिएटेड विद फ्रेंच, ठीक है, वाटर, इनको समुद्र गुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, हु रोड गीतांजलि? रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने हमारा नेशनल एंथम दिया था, कब दिया था, 1911 में, ठीक है, और जिसको बाद में 24 जनवरी 1950 को अडेप्ट किया। इन विच ईयर्स देखिए, आपका जो स्यूज कैनल है ये किस साल खुली थी, तो इन विच ईयर देखिए, ये थी आपकी 1869 में, जिस टाइम महात्मा गांधी पैदा हुए थे। और ये किसको कनेक्ट करती है, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में कौन सी नदी गिरती है, नील नदी। ठीक है, इफ टू एंगल्स आर, अब ध्यान से सुनिए, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर्स आर, अगर दो कोण अनुपूरक हैं तो उनके उपायों का योग कितना होगा। दो कोण्स अगर सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री में कितना होता है, 180, सप्लीमेंट्री होता है बड़ा, ठीक है, 90 से बड़ा। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर 16 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द स्क्वेयर इज, एक वर्ग की परिधि 16 सेंटीमीटर है तो उसका कितना वर्ग होगा। देखिए पेरीमीटर जो होता है वो कितना होता है, 4 into sides, कितना होता है, 4 into sides, तो 4 कितना है आपका, साइड्स दी हुई हैं आपको, ठीक है, साइड्स निकालनी है तो साइड्स में क्या होगा, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 4 into sides, आपके पास साइड्स नहीं है तो साइड्स निकालने के लिए क्या होगा, जितना पेरीमीटर है उसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, आपकी साइड्स आ गई 4। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर्स, क्या होता है आपका, साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना आ गया आपका, 16, तो आंसर इज 16, इसका आंसर भी क्या आएगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, द मिडल मोस्ट सॉरी द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा हैव वैल्यू इज, जो स्टैटिस्टिकल डाटा है आपका वो क्या है, किसी भी सांख्यिकी, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, स्टैटिस्टिक्स में हम 3 चीज़ें, वाणिज्यिक जिसको बोलते हैं,
इसमें हम तीन चीज़ें निकालते हैं, मीन सम, फिर मीडियन जो कि मिडल वैल्यू होती है, और निकालते हैं मोड, ये निकालते हैं। तो मीन तो एवरेज आ गया, तो इसमें पूछा है मिडल मोस्ट। तो मिडल मोस्ट अगर आपने देखा है यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सब में मिडल मोस्ट पॉइंट क्या है, यहाँ से ये मिडल पॉइंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। तो ये क्या आएगा इसका, मीडियन, मिडल मोस्ट, जो स्टैटिस्टिक्स में जो मीडियन होता है दैट इज़ द मिडल मोस्ट। व्हेन डाइस इज थ्रोन, आप डाइस को फेंको, व्हाट आर द 6 पॉसिबल, कितनी डाइस में कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। इसका मतलब कितने होते हैं इसकी सारी आउटकम्स, 6 ही होंगी, क्योंकि आपकी 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है। तो जब आप डाइस ना, तो व्हाट आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स, तो 6 ही होंगी, ठीक है। तो आंसर इज 10। द प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज, प्लेस वैल्यू क्या होती है, जब हम इनसे पता चलता है शून्य का स्थान क्या है या उसमें क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे 188.09, इसकी आपको प्लेस वैल्यू ज़ीरो की, ज़ीरो किस पोजीशन पे है वो निकालना होता है। तो ज़ीरो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ से अगर आप हिंदी में इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख इस तरह से पढ़ते हैं, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ठीक है। तो ये किस पोजीशन पे है, ज़ीरो किस पोजीशन पे है, टेंस पोजीशन पे, क्या आएगा आपका, टेंस पोजीशंस, क्यों, क्योंकि ये 10 पे है, तो आंसर इज टेंस पोजीशन। नेक्स्ट आता है इफ़ एन एक्स टू, एन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 240 प्लस 9x, ठीक है, क्या होगा। तो इसकी जो वैल्यू है, एक मिनट, ये जो 9x2 है ना, इसको ऐसे लिखा गया है, 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9x, ये वैल्यू है आपकी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, पहले मैं एक मिनट आपका, क्योंकि मैथ्स है तो ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ मैं। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें पूछा क्या है, आप इसको टर्म को लिख लीजिए, पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ, 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 की x की पावर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका क्या आ रहा है, ये जो पावर्स दी है, तो एक पावर 9 की x है मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर्स आ रही हैं, तो 9 की 2 पावर, 240 प्लस 9x, ठीक है। अब ये 9x और ये 9x इधर चला जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए 9x, 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 240 प्लस एन 9x प्लस 9x डिवाइडेड बाय 9x, ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, यहाँ पे क्या आया 1, तो आपका क्या बना, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 240 प्लस 1, राइट। अब आपका यहाँ से 81 माइनस 1, राइट, और ये क्या बन गया आपका 240, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 9x है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 9x नीचे भी है 9, तो यहाँ क्यों, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं इसका एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आएगा 9x, ये क्या आया आपका 9x, ये क्या आया 9x, ठीक है। तो अब देखिए ये 80 इंटू 9x इज इक्वल टू 240, 80, ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 80, 80 से 3, दैट इज़ कॉल्ड आपका 9x इज इक्वल टू 3, राइट। अब आपका ये देखना है कि जो 9x है इसको कैसे कर सकते हैं, 3x का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर, आपका क्या आया, x का 3 दैट इज 1, तो आपका क्या आया x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, ठीक है, 9, तो 3 का स्क्वायर और x हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2x, क्या आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2, x इज इक्वल टू 0.5 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या चीज़ देखी, पहले तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 9x है, 9x जो है हम इसको क्या कर रहे हैं, ये सारी वैल्यू को हमने यहाँ पे भी 9x से डिवाइड कर दिया। जब आपने, क्योंकि हमने इसको जब डिवाइड किया, तो इसके बाद आपका क्या आ गया, ये टर्म्स बन गई,
तो 80 को 9x, तो आपका ये 80 और 3 आंसर इज 0.5। अगर किसी को कोई भी डाउट लगता है खुद सॉल्व करके देखिए, और कुछ होगा तो मुझे बता देना, मैं करेक्ट करके आपको बता दूंगी। हाउ मेनी डायगनल्स अ ट्राइंगल हैव, एक त्रिकोण में कितने विकर्ण होते हैं? नो डायगनल, कोई भी डायगनल नहीं होता, जीरो डायगनल्स जिसको बोलते हैं, जीरो। अगर 250, 2520 की वैल्यू ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है। पावर क्या है? ज़ीरो, तो क्या आएगा आपका? ज़ीरो। ये स्लाइड ब्लैंक है, ठीक है। इफ़ 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 35% ऑफ वाई, देन एक्स वाई इज़, अगर आपका 25% दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे करते हैं 20% ऑफ एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 35% ऑफ वाई, ये दिया है, 20 ones 20 25, तो ये गया 1/5 का एक्स, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? 1/5 का एक्स इज इक्वल टू 35/100 इंटू वाई, ठीक है। तो ये कैसे करोगे आप सॉल्व? 25, फिर आपका क्या आया यहाँ से? 5 7 35 5 20, ठीक है, 5 20। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स ये आपका आ गया 20, ठीक है। तो 1/5x और 7/20, आपका क्या आया? 1/5x इक्वल टू 7/20y, ठीक है। अब आपका अगर हम एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, 7 × 5 / 20, ठीक है, एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पे आ गया आपका 35 और आया 20, तो आपका क्या आ गया? 7 is to 4, 5 7 जा, तो एक्स इज टू वाई की रेशियो क्या आई? 7 is to 4, क्या आएगी आपकी? 7 is to 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इफ़ SP यानी सेलिंग प्राइस जो है आपका, वो क्या है आपका? सेलिंग प्राइस देखते हैं, तो सेलिंग प्राइस आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है आपका 84, सेलिंग प्राइस कितना है? 84। गेन कितना है? 20, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं, गेन कितना है? 20, तो SP क्या आएगा? सेलिंग प्राइस, आपका CP निकालना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? आपने कॉस्ट प्राइस आपको पता ही नहीं है, तो आपने सेलिंग प्राइस कर दिया 84 और कॉस्ट प्राइस निकाल दिया x, जबकि प्रॉफिट कितना है? 20%, ठीक है, 20%। तो अगर हमें पता नहीं है तो 84 माइनस x, इसको x कर दो क्योंकि हमें पता नहीं है, तो 20x डिवाइडेड बाय 100, इसमें 1 और 5, 1/5 आ गया 84, माइनस x इज इक्वल टू 1/5x, ठीक है। अब क्या है आपका? यहाँ से 84 गया, 1/5x प्लस x, ठीक है, LCM ले लो 5, तो यहाँ आ गया x, ये क्या आएगा आपका? 5x, ठीक है। तो 84 इज इक्वल टू 6x/5, ये आया। तो अब यहाँ पे कर लीजिए 84 × 5/6 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से अगर हम करें मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या बनता है? 85 क्या आया? 420 520 5 4 20 5 8 40 42 6 7 40, तो आपका जो गेन है यानी कॉस्ट प्राइस क्या आएगा आपका? 70। क्या आया आपका कॉस्ट प्राइस? 70। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। आपको सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपको दिया नहीं है, कॉस्ट प्राइस आपने निकालना है, तो आप माइनस करके, सॉरी उसको एक्स सपोज करके आप निकाल सकते हो। नाउ आता है इंग्लिश सेशन, इसमें आपने अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव होता है क्वेश्चन पूछना। दीज बॉयज़ आर सिंगिंग, दीज बॉयज़ आर सिंगिंग एक
एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें दीज बॉयज आर सिंगिंग में हम क्या करें कि ये इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या आता है क्वेश्चन, अब यहाँ पे व्हाट तो नहीं आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वही आपका इंटेरोगेटिव, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर दीज बॉयज सिंगिंग, आर दीज बॉयज सिंगिंग, क्योंकि आर यहाँ चला गया इसको हम फर्स्ट में, आर दीज बॉयज सिंगिंग, तो ये बनेगा आपका इंटेरोगेटिव। एब्रीविएशन ऑफ NCERT दैट इज नेशनल जो रिसर्च करती है, काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, ठीक है। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, क्रूअल किंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिफेंसलेस पीपल, क्रूअल किंग जो होता है उसके लिए क्या, मतलब ऐसा जिसने सारे पीपल्स को मार दिया, दिस इज कॉल्ड अ मसैकर्ड होना, जैसे आपका जलियांवाला कांड होना। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय फेमस राइटर खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह, ठीक है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या होता है, बहुत अच्छा होना, तो इंटरेस्टिंग का ऑपोजिट क्या होता है, हार्मफुल भी हो सकता है, खतरनाक, ठीक है। इंटरेस्टिंग का हार्ड भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हो आप इंटरेस्टिंग का, ठीक है। नॉर्मल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, चेंज द वॉइस, दे विल नॉट हैव कंग्रेचुलेटेड अस, दे विल नॉट हैव कंग्रेचुलेटेड अस का मतलब क्या है, दे विल नॉट हैव कंग्रेचुलेटेड अस, आपको पता है सब्जेक्ट वॉइस चेंज करनी है तो सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स हैं क्योंकि फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में क्या होगा वही लगेगा, बस बीन आ जाएगा क्योंकि परफेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा, वी विल नॉट, ऐसे वी विल नॉट हैव बीन, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, कंग्रेचुलेटेड बाय, कंग्रेचुलेटेड बाय दे का क्या हो जाएगा, देम। आई हैवंट सीन इट एंड आई हैवंट हर्ड इट, तो इसमें आपको सिंपल से कंपाउंड, जब सिंपल से कंपाउंड बनते हैं तो हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटिंग जंक्शंस मतलब ये लगाते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम सबऑर्डिनेटिंग एंड आपका जो होता है ना कोऑर्डिनेटिंग दोनों लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर ना ही मैंने देखा, क्योंकि आई हैवंट सीन, इसका मतलब क्या, आई हैवंट सीन इट एंड आई हैवंट, तो इसको जैसे रिलेशन बताना, रिलेट करना, नाइदर आई हैव सीन इट नॉर आई हैव Neither I haven't have seen it nor I have heard it. जब आपका neither और nor लग गया तो not की ज़रूरत नहीं है। I dash pay your bill back next week. अब क्या हो रहा है कि अगले हफ्ते की बात आ रही है, तो model क्या आएगा, that is the future, कि हम next pay कर रहे हैं, तो I will pay your bill. I will pay. Brave man dash heart. Correct the form of verb. Brave man loses heart, losses heart. क्यों, क्योंकि अगर तो यहाँ पे होता have तो आना था have lost heart, ठीक है, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो अगर यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं है तो सीधा loses, क्योंकि थर्ड फॉर्म थर्ड पर्सन है, और अगर यहाँ पे have होगा तो ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ तक किस किस को सेशन भी अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब हिंदी सेशन है, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं, कौन सी अभिव्यक्ति है, ऐसे क्वेश्चंस भी आने की संभावना है, तो देखिए कौन सी ऐसी सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते, किस रस की अभिव्यक्ति है, तो इसका आंसर होगा सुर सागर, क्या होगा, सुर सागर, कौन से रस की अभिव्यक्ति है, यानी किस बुक की जो है आपकी वो लिखी गई है, तो वो है आपकी सुरसागर, कबीर दास की भाषा है, देखिए कबीर दास जो है वो बहुत सिंपल भाषा बोलते थे, ठीक है, तो ये ब्रज भी बोलते थे, बंगाली भी बोलते थे,
अवधि भी बोलते थे, ऑप्शन डिपेंड करता है क्या है, अवधि भी बोलते थे, संस्कृत भी बोलते, सीधी एंड साधारण भाषा। निराला जी का पूरा नाम क्या, हिंदी के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं आपने पढ़ी होंगी, निराला। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अवार्ड, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड भी है, जो कि आपको किसको मिला था, जयदेव को मिला था शिमला हिमाचल में, और उसने कहा था जो है वो लिखी है आपकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात, कहते हैं क्या है आपकी गुलेरी की, बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, ठीक है, ये हिमाचल में भी पूछा जा सकता। इस वाक्य विराट कोहली गेंद से खेल रहे थे, इसमें कौन सा कारक आएगा, कर्ता ने कर्म को करण, क्योंकि विराट कोहली जो है वो गेंद से खेल रहे, करण हो रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण क्योंकि काम हो रहा है। बीजक किसकी रचना है, बीजक जो है ये किसकी रचना है, ये है आपकी कहते हैं कबीरदास की, बीजक जो है ये किसकी रचना है, कबीरदास की। भाषा की सार्थक इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के कितने भेद हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के 5 भेद हैं, ठीक है, क्या भेद हैं आपके, 5 वर्ण, जिसमें क्वर्ग ट्वर्ग च्वर्ग ये सब आते हैं। समय की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद हैं, 3, ह्रस्व दीर्घस्व, ठीक है। पनघट शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, पनघट, पनघट में कौन सा संधि विच्छेद आता है, तो पनह घट प्लस घट। मेघ शब्द के पर्यायवाची क्या है, बादल। गोदान की रचयिता कौन है, मुंशी प्रेमचंद, कौन है आपके, मुंशी प्रेमचंद। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, व्याकरण की दृष्टि से जो शब्द सही होते हैं उनको हम बोलते हैं शुद्ध वर्तनी, क्या बोलते हैं हम, शुद्ध वर्तनी। तो जैसे कौन सा शब्द हो सकता है, जैसे आपका उज्ज्वल, ऑप्शंस में क्या दिया है वो उज्ज्वल, ठीक है, प्रतिदिन, जो भी वर्ड सही तरह से लिखे जाए उनको बोलते हैं। पेट की दाढ़ी होने का अर्थ क्या है, पेट की दाढ़ी होने का अर्थ है मतलब, पेट की दाढ़ी होना मतलब बड़ा चलाक होना, बहुत स्मार्ट, वेरी क्लेवर, चलाक, और आजकल की दुनिया फिर से कहूंगी वेरी स्मार्ट। अपशकुन में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग होते हैं जो पहले आते हैं, अप। काम काज में कौन, काम और काज दो चीजें, दो अलग चीजें हैं, तो इसमें आएगा द्वंद समास। स्वागत का में संधि वे सु प्लस आगत, स्वागत। अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, अलंकार होते हैं आभूषण, आभूषण ज्वेलरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आज के सेशन था, अगर तो आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो अभी मैं आपको सेशंस दे रही हूँ कुछ, इन सेशंस को जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत उस लेवल के हैं जो आपका लेवल हो सकता है फॉरेस्ट गार्ड में, तो इन क्वेश्चंस को जरूर देखना, इनको मिस मत करना। अगर तो सेशन अच्छा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना, फेसबुक पेज पर पूजा गुप्ता, यूट्यूब पर पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पर पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी तो ग्रुप मैंने ख़त्म कर दिया, पूजा गुप्ता चैनल है उसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और जितना आ सकता है जितना जुड़ सकते हो जुड़िए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वीक से मैं उसमें कई नई चीज़ें डालना शुरू कर दूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, 10th सेशन में, सिर्फ 5 सेशंस मिले हैं, और ऐसे ही अब सेशंस आएंगे आपके आगे, तो प्लीज़ सेशंस को ज्वाइन कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग, और जो लोग देख रहे हैं धन्यवाद कि आप इस चैनल पे आकर इन सेशंस को देख रहे हैं, तो और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं।